गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन क्रिया क्या होती है। ऐसी क्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे का स्थान ले लेता है उसे विस्थापन क्रिया कहते हैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट है, जब इसके में जिंक का एक टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर की जगह जिंक ले लेता है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आइए इसको एक अभिक्रिया के द्वारा देखते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा जल लिया है और इसमें मैं कॉपर सल्फेट डाल रही हूँ। ये मैंने इसका विलयन बनाया कॉपर सल्फेट का। अब इसमें मैं एक जिंक का टुकड़ा डाल रही हूँ। तो थोड़ी देर इंतजार करते हैं हम, इतने दूसरी अभिक्रिया करते हैं। दूसरी अभिक्रिया है कॉपर सल्फेट लोहे के साथ भी तेजी से क्रिया करता है। लोहा जो है कॉपर का स्थान ले लेता है और कॉपर अलग निकल जाता है। इसके लिए भी मैंने एक बीकर लिया है, इसमें पानी लिया और इसमें मैं कॉपर सल्फेट डाल रही हूँ। इसका विलयन बनाया मैंने जलीय विलयन। तो इसमें मैं एक लोहे की कील डाल रही हूँ। अब इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं और इंतजार करते हैं। आइए देखते हैं, कॉपर सल्फेट ने जिंक के साथ क्रिया कर ली है। हमने इस बीकर में कॉपर सल्फेट के घोल में ये जिंक का टुकड़ा डाला था। देखिए इसका रंग चेंज हो गया है। जिंक का टुकड़ा हमने ऐसा डाला था और अब इसका रंग ऐसा हो गया है। और सॉल्यूशन भी देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है और नीचे अवशेष जमा हो गए हैं। तो जिंक अधिक रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर का स्थान जिंक ने ले लिया और कॉपर अलग हो गया। दूसरे बीकर में देखिए, हमने कॉपर सल्फेट में हमने लोहे की कील डाली थी। देखिए इसका भी रंग रेडिश हो गया है और जब हमने कील डाली थी तो ऐसी थी। तो लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर का स्थान लोहे ने ले लिया है और रेडिश हो गया है और जो सॉल्यूशन है वो ग्रीनिश कलर का हो गया और नीचे अवशेप जमा हो गया। तो इस प्रकार विस्थापन क्रिया क्या है, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। जिंक अधिक रिएक्टिव है इसलिए उसने कॉपर का स्थान ले लिया और जिंक सल्फेट बना। इसी तरह आयरन कॉपर से अधिक रिएक्टिव है इसलिए उसने कॉपर का स्थान ले लिया और आयरन सल्फेट बन गया। थैंक यू।